क्लास एट में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा था, उसमें पेज नंबर 131 का ट्राई दिस का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड क्वेश्चन एट द एंड ऑफ वन ईयर, ठीक है, वन ईयर पे 1800 रुपीज पे 5% के रेट पे कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हुआ है। क्वार्टर कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली हर एक 1/4 ईयर में, यानी 1/4 ईयर यानी 3 मंथ, तो 3 मंथ में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज हो जाता है, नया इंटरेस्ट, नया वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ वन ईयर हम इसको निकालते हैं, ठीक है, टाइम कितना, वन ईयर दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1800 दिया हुआ है, रेट क्या दिया है, 8% पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, सिंस इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली है तो हाफ क्या होता है, हाफ होता है 1/2, क्वार्टर कितना होता है, क्वार्टरली लिखा हुआ है तो क्वार्टर कितना होता है, क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है, तो क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ईयर के 1/4 भाग में ही वो कंपाउंड हो जाता है, कंपाउंड वैल्यू लगना नया वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड एन क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, टाइम वन ईयर है, ठीक है, तो 1/1/4 हो जाएगा, वन ईयर के लिए निकालना है, ठीक है, एन कितना हो जाएगा, 1/1/4 हो जाएगा, तो 1 को कैसे लिखते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी नंबर है उसके बाय में 1 करके 1/4 जो है वो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, तो ये 4/1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, टोटल 4/1 यानी 4 ही हो जाएगा, ठीक है, तो 4 क्वार्टर ईयर हमारा एन का वैल्यू आ गया, ठीक है, जो भी कंपाउंडेड जो भी है, ठीक है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली है या हाफ ईयरली जो भी है, उसके लिए एन का वैल्यू और आर का वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है, हर एक बार इसको निकाल ही लेना है। रेट कितना हो जाएगा, रेट हमारा 8% दिया हुआ है, ठीक है, तो 8 × 1/4 हो जाएगा, 8 × 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 1/4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है और ये डिवाइड होता है, तो कितना हो जाएगा, 2% पर क्वार्टर ईयर, ठीक है। तो अब हमको निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P1+R/100⁻⁷ होता है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला ही है, ए इज इक्वल टू 1800, हमारा अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 1800 रुपीज था, रेट कितना था, हो गया है अभी 2% हो गया है, 100⁻⁴, हम इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू कितना आता है, 1948 रुपीज़ 38 पैसे, ठीक है, तो अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू 1948 रुपीज़ 38 पैसे, ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको।